सहलदार, आपको पता ही है कि आज श्रीनगर में लीजेंड लीग होने जा रहा है और पहला मैच लीजेंड लीग को है और लीजेंड लीग को जो स्पॉन्सर कर रहे हैं GR8, उसके एमडी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फजल भाई आपका। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चेहरे पे काफी मुस्कुराहट है आपको। जी मुस्कुराहट ये है कि हमने बहुत तकदव करी है, एक कश्मीर विलो अपने इंडिजिनस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है, हमारे कश्मीर का प्रोडक्ट, उसको एक आलमी सतह तक पहुंचाने में, जिसमें आपको पता है पिछले 14 साल का सफर रहा है, कितना मुश्किलों के साथ गुजरा होगा कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ICC वर्ल्ड कप 5 खेल चुके, अभी एक चल रहा है दुबई में वुमेन्स वर्ल्ड कप, और उसके अलावा अभी क्रिकेट जब कश्मीर में हमने कोशिश करी इसको लाने में, ताकि लीजेंड्स यहाँ पे खेल सके और अपनी गेम जो हमारे लड़कों की है, हमारे कश्मीर में जो नौजवान है जो क्रिकेट के साथ सबसे ज्यादा बिजी है और अपने क्रिकेट अपने करियर को क्रिकेट में देखते हैं, ताकि उनको भी एक वहां से सीख मिल सके, अपनी गेम बढ़ा सके, और जो हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं लोकल लेवल पे, उनको एक एक्सपीरियंस मिले लाइव हैंड कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि ये कैसे होता है और हमें अपना कैसे सुधारना है, ताकि ग्रेट स्पोर्ट्स को कल को एक पूल मिले प्लेयरों का, ब्रॉडकास्टर्स का, हमारे कमेंटेटर्स का, और हम उनमें से चुन के उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक प्रोजेक्ट करा सके। काफी आरसे के बाद ये मैच हमें देखने को मिला है। ये बताया कि आप GR8 की तरफ से स्पॉन्सर कर रहे हो, ये भी बताइए कि क्या लग रहा है कि इससे लोकल बिजनेस को कितना बढ़ावा मिलेगा। जी देखें, सबसे ज्यादा तो अगर आप ये देखें कि आलमी दुनिया में जब से क्रिकेट ब्रॉडकास्ट हुआ टीवी पे लाइव पे, तब से पहली बार इंटरनेशनल ऐसे मैचेस में हम क्रिकेट बैट एज मैन ऑफ द मैच, गेम चेंजर ऑफ द मैच अवार्ड दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। उसके बाद कश्मीर विलो इंडस्ट्री के साथ जो भी वाबस्ता है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो जम्मू में है, चाहे मेरठ में है, चाहे जालंधर में है, तो इस कश्मीर विलो की इंडस्ट्री को हमने एक अच्छा मुकाम दिलाने की कोशिश करी है। जब आप एज ए मैन ऑफ द मैच अवार्ड इस चीज को पेश करते हैं लाइव ब्रॉडकास्टिंग चैनल जिसकी ग्लोबल व्यूअरशिप है, तो ये हमारे सब कश्मीरियों के लिए फख्र की बात है कि हमारा प्रोडक्ट विल गो एंड इट विल डिस्प्ले, इट विल बी अ रिकॉग्निशन टू कश्मीर विलो एट सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। अगर एक छक्का हो जाएगा तो क्या उसके लिए क्या रखा है? जी देखें, फॉर सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम, जिसमें हम चाहते हैं कि अगर हम खाली नेचर से लेते रहें, वापस कुछ ना देते रहें, एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी एट द रिसीविंग एंड नॉट द नेचर। तो फॉर दैट वेरी रीजन वी हैव कोलैबोरेटेड विद सीड IUST, सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनके साथ कोलैबोरेट करके हम हर छक्के पे जितने सिक्सर जाएंगे वहां मैच में कश्मीर में, उतने पेड़ हम कश्मीर में लगाएंगे, ताकि एक सस्टेनेबिलिटी ग्रीन कश्मीर का इनिशिएटिव हम उसमें मदद कर सके और नेचर को वापस दे सके। कोई खास मैसेज यूथ के लिए? यूथ के लिए ये मैसेज है, आए सपोर्ट करें अपने लीजेंड्स को, और इसकी वजह से इसको इस एंगल से भी देखें, खाली क्रिकेट के एंगल से ना देखें, ये देखें कि अगर इंटरनेशनल लेवल से 127 प्लेयर आए हैं, कम से कम 80-90 प्लेयर ऐसे हैं जो दुनिया के हर कोने से आए हैं। इसमें रॉस टेलर न्यूजीलैंड से है, इसमें डेल स्टेन साउथ अफ्रीका से है, इसमें केविन पीटरसन इंग्लैंड से है, क्रिस गेल हमारे वेस्ट इंडीज से है, दैट मींस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन दिस अर्थ वहां से प्लेयर आए हैं देखने के लिए। तो हम उनको एक अच्छा मैसेज दें कि कश्मीरीज हम अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाएं वहां पे कि हम कैसे हैं। और दूसरा, उसके अलावा इस एंगल से भी देखें कि कश्मीर की जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको फरोग मिलेगा, क्योंकि ये प्लेयर जब अपनी जगह पे वापस जाएंगे तो वो वहां पे जरूर कहेंगे कि हमने कश्मीर को स्विट्जरलैंड से ज्यादा खूबसूरत देखा, कश्मीरियों को उससे ज्यादा खूबसूरत देखा, और उसके अलावा हमने वहां पे पाया वी गॉट अ बैट एज अ गिफ्ट, दैट मींस वो कश्मीर जहां पे बैट इंडस्ट्री है, तो हमारे इस इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ा फायदा। शुक्रिया आपका, थैंक यू।